बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस के हवाले से। और जो मॉड है इसके अंदर वो तीन तरह के मॉड होते हैं। मॉड से ये मुराद है कि जो कम्युनिकेशन है उसका तरीकाकार क्या होगा। तरीकाकार से क्या मुराद है कि आप जो कम्युनिकेशन करेंगे क्या वो वन साइडेड होगी, टू साइडेड होगी। अगर टू साइडेड होगी तो क्या दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से बात कम्युनिकेशन हो सकती है, सेंडिंग रिसीविंग एट द सेम टाइम हो सकती है, या एक सेंड कर रहा होगा तो दूसरा वेट करेगा और दूसरा जब सेंड करेगा तो पहले वाला वेट करेगा, ऐसा कुछ है। ये इस चीज़ के सिनेरियो को एक्चुअल में मूड्स का नाम जो है वो दिया गया है। और ये मॉड आपके पास जो है इसके कम्युनिकेशंस के, इसको हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमिशन मॉड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल मैसेज फ्लोइंग थ्रू द सम मीडियम। ये किसी मीडियम में से जो है वो आपका जो पास कर रहा है उसकी डायरेक्शंस बताता है उसकी कि किस तरीके से होगा। दैट्स द ट्रांसमिशन मॉड टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल बिटवीन द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दो डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो डायरेक्शन किस तरीके से होगी, यानी एक ए डिवाइस आप बी डिवाइस कंसिडर कर लें तो ए से बी होगी या बी से ए होगी, और एट द सेम टाइम होगी या डिफरेंट टाइम के साथ होगी, एट द सेम टाइम दोनों कम्युनिकेशन कर पाएंगी या डिफरेंट वक्त के अंदर दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डेटा द फॉलोइंग थ्री मोड्स ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन आर डिस्कस्ड हियर। पहला है सिंप्लेक्स मॉड, जिसको एस एक्स कहा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है सिंप्लेक्स को एस एक्स, और हाफ डुप्लेक्स जिसको एच डी एक्स शॉर्ट में लिखा जाता है, और फुल डुप्लेक्स जिसको एफ डी एक्स शॉर्ट में लिखा जाता है। ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब आइए हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से हम वीडियो को जो है वो कवर कर लें। आसान सा टॉपिक है, मुश्किल है नहीं, आपको साथ साथ समझ आता जाएगा। जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो फटाफट आपको जो है वो चीज क्लियर होती चली जाएगी। सिंप्लेक्स मॉड, इन द सिंप्लेक्स मॉड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन द डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ओनली का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी सेंडर सिर्फ सेंड करेगा, रिसीव नहीं कर सकता। रिसीवर जस्ट रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर सकता। तो इट्स ओनली इन द वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट नॉट फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर। Therefore, no response or reaction option is there for the receiver. ना तो वो कोई रिएक्ट कर सकता है, ना कोई रिस्पॉन्स दे सकता है, किसी तरह का रिस्पॉन्स रिएक्शन वगैरह जो है रिसीवर नहीं दे सकता। सिंपली उसको जो है वो सुनना है उसके ऊपर, ठीक है। वन वे होती है। एंड रिसीवर इन द सिंप्लेक्स मॉड ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर, दिस मॉड इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल मॉड ऑफ द कम्युनिकेशन। को यूनी डायरेक्शन कहते हैं क्योंकि वन वे होता है, वन साइडेड होता है, वन डायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द लाइव रेडियो ट्रांसमिशन। अगर रेडियो लाइव कोई बंदा बात कर रहा है उसके ऊपर, तो कोई भी ट्रांसमिशन वगैरह की जा रही है तो आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं, आप उसको कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप बोलते भी रहेंगे तो उसको कोई, उसके पास कोई आवाज़ जाने वाली नहीं है, उसकी आवाज़ जो जहाँ जहाँ चैनल जिसने ट्यून इन किया हुआ है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आती रहेगी। लाइव टीवी ट्रांसमिशन अगर आपके पास चल रहा है तो लाइव टीवी ट्रांसमिशन भी वन साइडेड है, जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है वो सेंड कर रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हो, आप उनको रिस्पॉन्ड बैक वापस नहीं कर सकते। YouTube है तो YouTube भी ऐसा नहीं, एक्चुअल में वन वे ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक्चुअल में उस वक्त मेरे पास आपकी आवाज़ नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड की है, अभी आप सुन रहे हो उसको। अब आप उसको रिस्पॉन्ड कमेंट्स की फॉर्म में करोगे जो कि मेरे पास उसका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आएगा, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है और ये यूनिडायरेक्शनल है और सिंप्लेक्स मोड है। ट्रांसफर ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड to the computer is also an example of the simplex mode of communication. अगर आप कीबोर्ड से डेटा आप एंटर कर रहे हो तो जितनी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं सिंप्लेक्स की। अक्सर लोगों को मिसाल समझ में नहीं आती और वो ये कहते हैं अच्छा सिंप्लेक्स मॉड की जो एग्जांपल, एक तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके अलावा उसके अलावा आपकी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस वो क्या है, वन वे। आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी वो भी सारी वन वे है, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ आउटपुट देता है, इनपुट लेता नहीं है। इनपुट डिवाइस जो कि जितनी आप देख लें, कीबोर्ड देख लें, माउस देख लें, स्कैनर देख लें, तो ये क्या है, सारी की सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और इनपुट डिवाइसेस का इनका मॉड कौन सा है कम्युनिकेशन का, सिंप्लेक्स है। तो कीबोर्ड से आप डेटा एंटर करते हो, कीबोर्ड से कोई आप आउटपुट नहीं लेते हो, तो कीबोर्ड का जो कम्युनिकेशन है वो भी सिंप्लेक्स मॉड है। और अब आपके पास बेतहाशा किस्म की एग्जाम्पल्स आपके जहन में आ गए होंगे, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। अब जैसे माइक है, तो माइक आप जो बोल रहे होते हो वो एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके जरिए क्या है कंप्यूटर के अंदर आवाज जा रही है, तो जा रही है, आ नहीं रही है। लेकिन अगर आप उसको स्पीकर वगैरह भी आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी क्या होगा कि आप साथ बोल रहे हो और साथ आपको दूसरी साइड से आवाज आएगी, वो फिर फुल डुप्लेक्स मॉड के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आपकी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के जा सकते हैं, जिसको आईओ डिवाइस कहा जाता है। हाफ डुप्लेक्स मॉड, इन हाफ डुप्लेक्स मॉड द डेटा कैन मूव इन द बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली मूव नहीं कर सकता दोनों डायरेक्शन के अंदर, लेकिन मूव कर सकता है, सेंड भी कर सकते हो आप रिसीव भी कर सकते हो। दैट्स अ साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस मॉड।
sender can send the data to the receiver, and the receiver can respond or react back to the senders as well, but not simultaneously. Respond कर सकता है, लेकिन उसी वक्त नहीं कर सकता. वो receive करेगा, receive करने के बाद वो उसको कोई signal देगा कि मेरी बात complete होगी, अब आप अपनी बात करें. You know, इस तरीके से communication होती है. This mode is called a semi bi-directional mode of the communication. Examples include the walkie-talkie. Walkie-talkie पहले हम वो बचपन के अंदर खेला करते थे, एक short device होती थी, और उसके जरिए से क्या होता है कि कैरियर होता था, कैरियर को खींचो, आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हुए उधर जो एक बटन होता है उसको प्रेस करें, आप बोले, दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती थी. और यही एक्चुअल में असल में कॉपी थी आपकी वायरलेस की, जो कि वायरलेस पुलिस वालों के पास होती है, सिक्योरिटी वालों के पास होती है. तो पुलिस आता सिक्योरिटी वायरलेस रिकॉर्डेड वीडियोज एंड ई मेल्स टेक्स्ट मैसेजेस एंड द फैक्स इंक्लूड इज ऑल. तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन ये हाफ डुप्लेक्स के अंदर कम्युनिकेशंस होती है. टेक्स्ट मैसेजेस भी है, तो वो भी आपके पास क्या है कि आपको रिसीव होगा, तो उसके बाद आपको उसको रिसीव होने के बाद आप उसको सेंड करते हो. टेक्स्ट मैसेजेस जितने भी आपके पास है, आपके ईमेल्स है, वो वन वे कम्युनिकेशन, आप रिसीव करोगे उसको पढ़ोगे एट द सेम टाइम नहीं है, रिसीव करने के बाद फिर आप उसको ड्राफ्ट करोगे या फिर आप सेंड करोगे. तो ये यूजुअल एग्जाम्पल्स हैं आपकी हाफ डुप्लेक्स मॉड की. उसके बाद आ जाइए फुल डुप्लेक्स मॉड के ऊपर. और इन द फुल डुप्लेक्स मॉड data can move in the both direction at the same time. At the same time means simultaneously. Therefore, the simultaneous two-way communication is possible in this mode. आप send भी कर सकते हो और आप receive भी कर सकते हो at the same time. Sender can send the data and the receiver can receive the data. Receiver can receive the data as well and the receiver can respond and react back to the sender simultaneously. वो कर सकता है and this mode called full bi-directional. इसको full bi-directional कहा जाता है और half वाले को semi कहा जाता है. और उससे ऊपर वाला जो है उसको जो है वन वे वन साइडेड जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है. इसके अंदर एग्जांपल इंक्लूड करती है जो टेलीफोन आपके पास जो है, उसके बाद ऑडियो है, कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, इज मेड विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर. ऐसी डिवाइसेस जो कि आपकी यूज होती है फुल डुप्लेक्स मॉड के अंदर, उनको मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है. यानी टेलीफोन इज अ मल्टीप्लेक्सर. सो मल्टीप्लेक्सर ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो आपकी आईओ डिवाइस होती है. क्लियर होगी बात यहाँ तक. और ये थी आज की वीडियो. वीडियो लगी आपको अच्छी तो कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप कर लें डिसलाइक. और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया.